सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबर में आगे बढ़ने से पहले देश भर के लोगों और टैक्सी ड्राइवरों से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को अब भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक चैनल है जो दबे कुचले गरीब गुरबों के अलावा जरूरतमंद लोगों की आवाज को पूरी ताकत से उठाता है। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चंडीगढ़ प्रशासन, आज चंडीगढ़ ट्राई सिटी ड्राइवर यूनियन ने बाइक व्हाइट प्लेट टैक्सियों की ओर से नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियों के खिलाफ प्रशासन के अलावा टैक्सी की विभिन्न कंपनियों की लाल फीता शाही के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन ने साफ कर दिया है कि पिछले कई सालों से लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो इस बार भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो गवर्नर हाउस को घेरने के अलावा धरना प्रदर्शन का दौर शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से यदि इस प्रशासन ने इनकी मांगों को नहीं मानी तो निश्चित रूप से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो टैक्सियों पर सवारी करते हैं। इसी को लेकर हमने यूनियन के प्रधान अमनदीप सिंह से बात की तो उन्होंने क्या बताया, जरूर सुने ताकि आपको जानकारी मिले कि कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकले हो कहीं जाने के लिए और आपके सामने टैक्सी ना मिले। गवर्नर साहब ने ADC को कहा, ADC ने DC को कहा, DC ने इन लोगों से कहा, नितिन कुमार से भी बात करी जो चले गए, होम सेक्रेटरी थे, आपने गवर्नर से भी बात करी बनवारी लाल पुरोहित, वो भी चले गए और जो अब आश्वासन दे रहे हैं वो भी चले जाएंगे। बात करेंगे अमनदीप सिंह से, प्रशासन के खिलाफ और जो कंपनी का जो फरमान है दोनों के खिलाफ इन लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, इनकी मांगे क्या है इसको हम जानेंगे अमनदीप से। अमनदीप जी, क्या है पूरा मसला और किस तरह से इसकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं और क्या आश्वासन मिला है अभी तक? सर, लड़ाई तो हम पहले पिछले साल से कर रहे हैं। 10 अगस्त 2023 को हमने भूख हड़ताल करी थी, 10 दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठा था और 10 दिन ड्राइवरों ने गाड़ी बंद करी थी, लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ हमारा। और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि जो वाइट प्लेट निजी वाहन चलता है, जो टैक्सी के रूप में, चाहे वो बाइक में चलता है चाहे वो गाड़ी में चलता है, वो टोटली बंद होगा। बलाबला एक कंपनी ऐप है, उस पर भारत सरकार से एक्शन करवाया जाएगा। और जो ओला उबर कंपनियाँ हैं उनको 2023 नवंबर में लाइसेंस ख़त्म होगा, उनको नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक वो नए रूल्स जिसमें 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस ड्राइवर का और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस जब तक नहीं कराएंगे तब तक उनको नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हमने उनके लाइसेंस मिलने से पहले 20 अक्टूबर को एसटी दफ्तर का घराव करा कि इनको लाइसेंस ना दिया जाए, जिसमें इन ड्राइवर और रैपिडो कंपनी थी। उन्होंने हमें फिर विश्वास दिया कि नहीं मिलेगा, पर 7 दिन बाद अखबार में आ गया कि इनको लाइसेंस दे दिया। और 1-1.5 महीने बाद हमें ये पता लगा कि ओला उबर को भी दे दिया। हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। जो प्रशासन हमें वहाँ पे दिलासा दे के गया था, जो भरोसा दे के गया था, वो प्रशासन कंपनियों की तरफ झुक गया। हमने उसके खिलाफ कम से कम ज़्यादा नहीं 538 लेटर दे दिए, गवर्नर साहब को भी, बनवारी लाल पोत जी को भी मिलने के आए थे, नितिन यादव जी से बात भी हुई थी, जॉइंट एक्शन टीम भी बनी थी कि जो वाइट प्लेट गाड़ी चल रही है आप उसकी फ़ोटो भेजो, हम ऑनलाइन चलान कर देंगे, जो भी कार्रवाई करनी है हम एक ग्रुप बना देंगे उसमें आप डालो, उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। पर वो भी 3 दिन चला, उसके बाद वो बंद हो गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 4 जुलाई को स्ट्राइक करी जिसमें हमें बोला गया कि आपके रेट, जो लोकल गाड़ी चलती है उसके रेट 2019 में जो 2,850 था आज वो 8 रुपये हो गया, CNG तब 30 रुपये थी आज 90 रुपये होगी, 3 गुना बढ़ गई, हमारा रेट 8 गुना कम हो गया, तो ये इंसाफ नहीं है। और वर्दी के चलान भी हो रहे हैं, हमारे पेपरों के भी चलान हो रहे हैं, जबकि बाइक टैक्सी का कोई पेपर नहीं है, प्लेट नहीं है, ना टैक्स है, ना वो कमर्शियल इंश्योरेंस करा रहे हैं, इसमें ई रिक्शा भी है, ऑटो में 3 सवारियाँ अलाउड हैं तो उसमें कोई अलाउड ही नहीं है, वो कितनी कितनी लेके जा रहा है, वो सामान भी डो रहा है उसके अंदर। अगर हमारे वर्दी के चलाना है तो बस वाले की वर्दी कहाँ है, ट्रक वाले की वर्दी कहाँ है, ई रिक्शे वाले की वर्दी कहाँ है, ऑटो वाले की तो है ही है आपको पता, उसका भी चलान कर रहे हैं, और साथ में बाइक वाले की कहाँ है। तो रूल और रेगुलेशन अगर सरकार ने कानून बनाया है तो सबके लिए लागू होना चाहिए, सिर्फ टैक्सी और ऑटो के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग थी जिस पे हमारी परसों बुधवार को फिर SSP के साथ, ट्रैफिक के साथ मीटिंग होनी है। अभी चंडीगढ़ में जितने भी ये एरिया हैं यहाँ पे हमारी टैक्सी को पिक करने के और ड्रॉप करने के कोई पॉइंट नहीं है, खास करके रेलवे स्टेशन, तत्ताली बस स्टैंड और लेक और
रॉकगार्डन, वहाँ पे हम गाड़ी ड्रॉप करते हैं, उसी टाइम हमारा पुलिस वाले चालान काट देते हैं कि आप पिक नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। तो सवारी को ड्रॉप कहाँ करें, पिक कहाँ करें, आप कोई एरिया बताओ, पॉइंट बताओ, टैक्सी स्टैंड के लिए कोई जगह दो, ना ऑटो के लिए है ना टैक्सी के लिए है। तो इसके लिए भी हमारी बात जो है वो परसों होनी है मीटिंग में एसएसपी ट्रैफिक के साथ। जिस तरह से पैसेंजर चाहता है कि हम जहां चाहें वहीं पे टैक्सी पे चढ़ जाएं और जहां चाहें वहीं उतर जाएं, अगर कोई फिक्स अगर कोई स्टैंड हो जाता है तो वहां तो कोई पैसेंजर उतरना नहीं चाहेगा। जैसे मान लो हमें यहां उतरना है, स्टैंड एक किलोमीटर है या आधे किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में पैसेंजर तो फिर प्रेफर करेगा ही नहीं इस टैक्सी को। उसी चीज़ के लिए कह रहे हैं जी, जितने भी सेक्टर हैं, आपको प्रशासन को हम ये बेनती और गवर्नर साहब को भी अपील कर रहे हैं कि हर एक सेक्टर में ऑटो, जो भी सेक्टर नए बन रहे हैं, जब डेवलप हो रहे हैं हमारा खरड़ इधर उधर जो भी है, वहाँ पे हर एक सेक्टर में हर एक एरिया में ऑटो और टैक्सी का स्टैंड होना चाहिए, जैसे बस स्टॉप का होता है, क्योंकि हम भी तो गाड़ी वहीं से पिक करेंगे। और दूसरी बात रहेगी कि लोकेशन, हमारे पास लोकेशन आती है कस्टमर की, हम वहाँ पिक करने जाते हैं, वहाँ पुलिस वाला खड़ा, वो कहता है जी मैं पिक नहीं करने दूँगा, तो काम कैसे करें? सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, गाड़ी भी चलानी है, ओला उबर को कमीशन भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, तो फिर भी हमें काम करने को नहीं मिल रहा। इन बातों पे सब पे डिस्कशन हुई है। हमारा जो मेन दो मुद्दे हैं, जिसमें वाइट प्लेट बंद होनी चाहिए, कोई भी नहीं चलनी चाहिए, निजी वाहन किसी भी ऐप पे नहीं चलना चाहिए। उसके लिए 24 तारीख को ड्राफ्ट निकाल दिया था, 24 जुलाई को, 9 तारीख को उसकी डिस्कशन होनी थी, ऑब्जेक्शन और सुझाव मांगे गए थे, वो 15 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 9 तारीख अगले महीने की आ गई, उसको भी एक महीना हो गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। वो हमारी डीसी साहब से साथ बैठ के बात हो गई है कि वीरवार को उनकी मीटिंग होगी प्रशासन के अधिकारी एडवाइजर के साथ और स्टेट सेक्रेटरी के साथ। उस मीटिंग के बाद रेट और वो रूल जो एग्रीगेटर के लिए बनने हैं, जिसमें कंपनियों का ऑफिस भी यहाँ होना चाहिए और 6 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी करा के देगी हमारे ड्राइवरों का, उस पर हमारी 20 बार में डिस्कस होगी। अगले 7 दिन के अंदर वो फाइल गवर्नर साहब के पास हम पहुँचा देंगे और 30 सितंबर तक दोनों रूल और ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ये दावा कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग, हमें आज की मीटिंग में उन्होंने मीटिंग वो मिनट्स में बताया है और हमें विश्वास दिला के वहाँ से हम यहाँ आए हैं। अब उसके बाद 30 सितंबर को अगर वो बात नहीं होती तो डीएससी साहब ने हमें अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया है कि 30 को अगर ये काम नहीं होता तो आप मुझे कॉल करोगे, कहीं मीटिंग लेने के लिए कैंप टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं मेल करने की ज़रूरत नहीं, आपने मुझे बोलना है और आपको 4-5 घंटों में आपको मीटिंग का टाइम मिल जाएगा, फिर हम उस पर बैठ के भी डिस्कशन करेंगे। बट वो ये कह रहे हैं कि जितनी स्टडी आपने करी है, जो एग्रीगेटर पॉलिसी आप जानते हो, एसटी डिपार्टमेंट से सवाल हुए, ब्रीफ पे बात हुई कि कहाँ कहाँ उनकी कमियां हैं, कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, हमने सब पे बात करी है। उस पर उन्होंने हमारे से यही कहा है कि अमनदीप जी, अगर आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जितनी बारीकी से आप बात कर रहे हो उतनी एसटी डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो बार बार आपसे मीटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि 30 तारीख को हमारा ड्राफ्ट हो जाए। जैसे डीसी की बात आप करें, डीसी शायद ये सितंबर तक ही शायद टर्म है जो मुझे जानकारी है, आपने नितिन कुमार से भी बात करी जो चले गए, होम सेक्रेटरी थे, आपने गवर्नर से भी बात करी बनवारी लाल पुरोहित, वो भी चले गए, और जो अब आश्वासन दे रहे हैं वो भी चले जाएंगे, फिर बात कैसे बनेगी? आज हमने बात सर डीसी साहब से नहीं करी, ना ही हमने उनसे मीटिंग रखी है, हमने गवर्नर हाउस का घाव का करने की बात करी थी। ये जो कॉल आई है ये गवर्नर साहब से आई है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारी गरीबों की आवाज़ सुनी। ये कॉल किसके थ्रू आई? ये ADC जो हमारे गवर्नर साहब के होते हैं, अच्छा। उनके थ्रू इनको आया कॉल, फिर DSP हमारे SSP सर मैम को भी आया, DSP साहब को भी आया, और DSP साहब हमें यहाँ से खुद लेके गए हैं गाड़ी में बिठा के वहाँ पे मीटिंग के लिए, और DC साहब ने हमें बताया कि ये भैया काम गवर्नर DC या ADC ने बताया? ADC साहब ने DC साहब को बोला, ADC जो हमारे गवर्नर साहब के, उन्होंने इनको बोला कि ADC ने ये DC मीटिंग लो, आप उनकी बातें सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। DC साहब ने कहा कि जहाँ हमारा काम होना है वो गवर्नर साहब ही हैं, साइन उन्होंने लास्ट करने हैं, वहाँ से कॉल आ गई, हम आपका काम 7 दिनों में फाइल तैयार करके गवर्नर साहब तक पहुँचा देंगे। आपके यूनियन से 20 दिनों से फाइल DC साहब के पास ही पड़ी हुई है। आपके यूनियन का क्या नाम है? मेरी यूनियन का नाम चंडीगढ़ ट्राई सिटी ड्राइवर यूनियन है जी, बट यहाँ पे जो हमने संघर्ष लड़ा है वो सारी एसोसिएशन, सारी यूनियन ने इकट्ठे और कैब ऑटो संयुक्त मोर्चे ने लड़ा है। इसके बाद जैसे आपको 30 सितंबर तक का टाइम मिला है, फिर बात नहीं बनती, क्योंकि पहले भी बात नहीं बनी है, ऐसे में फिर क्या एक्शन होगा या रिएक्शन होगा? देखो जी, जो आज बात उन्होंने करी है, हमने वर्बली बात नहीं करी उनसे, उन्होंने हमें उनसे जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स मांगे, जो हमें वो लिखती रूप में परसों दे रही है कि आपको 30 सितंबर तक दोनों नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि
गवर्नर साहब ने एडीसी को कहा, एडीसी ने डीसी को कहा, डीसी ने इन लोगों से कहा। पहले सफलता नहीं मिली, इस बार सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं, लेकिन इनमें फिर भी विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। धन्यवाद जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।